परेशानियां होती हैं तो वो तो फेस करनी पड़ती हैं, और हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा। आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, उनके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, ये भी इनह्यूमन एक्टिविटी है सरकार की कि वो परिवार एक साथ नहीं है। जब परिवार को सजा मिली है, और कहीं ऐसा आपको देखने को नहीं मिला होगा कि परिवार के लोगों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा हो, कम से कम सरकार को ये दृष्टिकोण तो रखना चाहिए कि परिवार एक साथ रहे। जब इतनी तकलीफ और परेशानी में हैं, क्या सरकार यही तकलीफ परेशानी देना चाहती है, और वो भी झूठे मुकदमे लगना। सरकार ये कहती है कि दुनिया में उनकी पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड से ऊपर चले गए हैं, ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे झूठे मुकदमों का। वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठे मुकदमों का, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, रामपुर कहीं पर देख लीजिए आप, हर जगह मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाया, उसकी वजह से आप दिल्ली को भी देख लीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। क्या देश ये स्वीकार करेगा झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल भेज दें? और अन्याय की कोई उम्र नहीं होती है, जुल्म की करने वाला कितना भी जुल्म करेगा, अंत में सच्चाई की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। रामपुर की टिकट को लेकर के और टिकट लेकर के भी चर्चा हुई है। देखिए ये पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही जीतेगा, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, और पीडीए से घबराई हुई है सरकार, लगातार मुख्यमंत्री सरकार हो रही है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये समय बहुत बलवान है। हमने आपने तमाम किस्से सुने होंगे, समय से ज्यादा बलवान नहीं है, और समय आएगा जब बीजेपी को भी जनता सबक सिखाएगी। केवल जनता इंतजार कर रही है कब उसे वोट डालने का मौका मिल जाए, और केवल मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं। और पेपर लीक होने से जिन बच्चे नौजवानों का भविष्य अंधकार में गया है, मैंने कई बार बोला हूं, मैं फिर बोलता हूं, 60 लाख बच्चे जिनका भविष्य इस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में छीना है, 60 लाख, और उनके माँ बाप को मिला लें तो 60 लाख × 3 कितना हुआ, 1,80,00,000। 1,80,00,000 का अगर हम भाग दे दें, 1,80,00,000 को हम भाग दे दें 80 से लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हुआ है। और जिस दल का 2,25,000 वोट कम हो जाए एक लोकसभा में, तो सोचो कितनी घबराई हुई होगी। क्या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड नहीं बजा दिया? इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड जो मिले हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या उसका जवाब है उनके पास? और अगर आप दिल्ली वाली बात कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड उसने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिया? तो ये घबराहट में अपना जो मुद्दा बदलने की जो तरीका है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं होगी। ये कितने भी नेताओं को जेल भेज देंगे, लेकिन जनता को जेल नहीं भेज सकते। जनता 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 इनको सबक सिखाएगी। पल्लवी पटेल का एक बयान आया हुआ है, उनका कहना, उन्होंने आप पर निशाना साधा, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है भ्रांति में जी रहे हैं, और वो गठबंधन से हमें बात हुई है, उनको किसी का साथ नहीं चाहिए। मेरा वाले ने छोड़ दिया साथ।
साथ छोड़ने वालों की कहानी बहुत लंबी है और आपसे बेहतर कोई नहीं जो जानता होगा कौन क्यों साथ छोड़ रहा है। सर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, भाजपा कह रही है, भाजपा कह रही है 9% सांसद है कांग्रेस के, उनके में 1400 करोड़ रुपए जो है इलेक्टोरल बॉन्ड गया, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं। कल संबित पात्रा का भी बयान आया। देखिए मुझे आपका जो सवाल है, जो विपक्ष के लोग हैं उनके लिए तो आप कह सकते हो चद्दा मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, तो सत्ता वालों ने तो वसूली की है, और वसूली किससे नहीं की, वो सूची एक लंबी है जो सोशल मीडिया और अखबारों में छप रहा है। तो ये जो सूची है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहे कि चंदा उन्हें मिला है, चंदा उन्हें मिला होगा, लेकिन वसूली तो बीजेपी ने की। तो ये जो 6000 करोड़ रुपए जो है भाजपा के खाते में गए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है, इसी इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया, इसीलिए घबराहट में इस तरह का खबर बदल जाए, न्यूज बदल जाए, दूसरी चीजों पे ज्यादा चर्चा हो। और सवाल तो मैंने आपसे कहा बुनियादी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई, क्या महंगाई कम हो गई, क्या नौजवानों को नौकरी रोजगार दे दिया, क्या आज उत्तर प्रदेश में लोग सुरक्षित हैं, कहाँ घटना नहीं हो रही, क्या आप सोच सकते हैं कस्टोडियल डेथ हो रही हो, जो लोग विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेते हो, विकसित भारत को बनाने का संकल्प लेते हो, वहाँ कस्टोडियल डेथ में वो प्रदेश नंबर वन हो। ये जितने भी कांड हो रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर, आप खुद सोचिए, 3 घंटे में एनकाउंटर कर दिए, आप खुद सोचिए कि जो सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, इसका मतलब ये सरकार इंतजार करती है घटना होने का। जो रिस्पांस सिस्टम बनाता है या जो लॉ एंड ऑर्डर का जीरो टॉलरेंस की बात थी, वो जीरो टॉलरेंस जीरो हो गई कि नहीं हो गई, बदायूं की घटना ने साबित कर दिया है कि जीरो टॉलरेंस का नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस जीरो है। हमारी अच्छी बात हुई है, हम और वो जानते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आपने कांग्रेस को सीट दे दी, कोई बात नहीं, हमारे गढ़ के लोग, जिसको आप गढ़ बोल रहे हो, हमारे गढ़ और संगठन के लोग मदद करेंगे जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आने वाले समय में आएगा। राहुल गांधी जी अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली पहुंचे, तो क्या लग रहा है ये जो कार्रवाई है वो पुलिस को कह रही है ईडी बदल रहे हैं, क्या बतायूं मैं अक्षय यादव या शिवपाल यादव? सर केजरीवाल को लेके अभी राहुल गांधी भी मिल ले गए, सभी लोग इसको अपोज कर रहे हैं, क्या लगता है कि चुनाव आते आते और भी लोगों किस तरह से जेल भेज दिया जाएगा? देखिए बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी को पता है कि जनता इस बार सत्ता से हटा देगी उन्हें, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे किसान, आप कल्पना कर सकते हैं जिस सरकार के खिलाफ नौजवान और किसान हो और व्यापारी हो और बड़े पैमाने पे अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी हो जाती हो, तो ये घबराहट में जो एक्शन ले रहे हैं, घबराहट से जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को आगे कर दे रहे हैं, ये केवल बदनाम करने के लिए, लोगों को कमजोर बनाने के लिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो मजबूती से लड़ेंगे और जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा बीजेपी से सावधान रहिए, मतदान तक सावधान रहिए, कुछ भी बीजेपी कर सकती है। खरगे साहब ने कल कहा है निष्पक्ष चुनाव हो, आपको क्या लगता है निष्पक्ष नहीं होगा? अरे हमारा मीडिया निष्पक्ष नहीं है, अरे तुम चुनाव की बात कर रहे हो, हमारा मीडिया भी कभी कभी निष्पक्षता वाला जो हिस्सा है, जो पक्ष है, वो भी भूल जाते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारे मीडिया के साथी ये जो यहाँ आए हैं, ये भी लोकतंत्र बचाने के लिए आगे खड़े दिखाई देंगे। अरे हम भी लड़ेंगे, जब पार्टी गएगी तो लड़ेंगे, और लड़ना तो चाहिए चुनाव। देखिए अरे आपको क्या चिंता, हमारी पार्टी सिंबल साइकिल लड़ेगी, चाहे अक्षय लड़े, अक्षय नहीं आदित्य, आदित्य, ए तुम नाम भूल जाते हो। देखिए ऐसा है, सिंबल साइकिल और हम लोग तय कर लेंगे किसको लड़ना है, और बदायूं की जनता से पूछ करके। वरुण गांधी के लिए क्या कुछ है, सॉफ्ट कॉर्नर गुंजाइश है अभी? सॉफ्ट नहीं, हमारा तो रास्ता हरेक के लिए खुला रहता है, दरवाजा हरेक के लिए खुला रहता है। प्रत्याशी ने भी ये कहीं कहा है जो भगवत शरण गंगवार, तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, मैं भगवंत शरण
गंगवार जी बहुत सीनियर मैच्योर और सीजनल लीडर हैं, वो जानते हैं कि पार्टी हित में और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में क्या फैसला लेना है। तो आप मानते हैं कि बदायूं में युवा को, अब भाई तुम यार क्यों चिंता करते हो किसकी? अरे मैंने आपसे कहा बीजेपी वाले कभी कभी तो आरोप लगाते हैं परिवार वाला, अभी हमारे पत्रकार साथी से क्या सवाल पूछवा रहे, सोचिए आप। इसलिए बीजेपी वाले संकल्प लें कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी भी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। बीजेपी 24 सीटों पर टिकट नहीं घोषित कर पा रही, इस पे क्या बयान है? ये घबराहट है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको हटाएगी। और क्यों हटाएगी? डबल इंजन की सरकार, बताइए क्या अभी तक सांड हटा लिए सड़क से? अभी भी नहीं। अगर आप जेल से निकले, डिवाइडर अगर अच्छा मिल गया तो आपको सांड बैठे दिखाई देंगे। अभी मैं सीतापुर इंटर किया हूँ, 10 गिने मैंने सांड, आ गया जेल में। तुम लोग बच गए कि नहीं बच गए? आज भी एक कानपुर देहात में या कानपुर में बताइए, मजदूर जा रहा था सींग से फाड़ करके मजदूर की जान ले ली। और उत्तर प्रदेश में हर दिन इस जानवर से एक की जान जा रही है, बताइए। एक्सीडेंट हो रही तो जान जा रही, और खुद मार दे रहा है वहां जान जा रही है। चैनल का सर्वे आया 400 पार, चैनलों का सर्वे आया 400 पार। अब की बार भाजपा हार, और अब की बार 400 हार पढ़ नहीं पाए होगे ढंग से आप। सर्वे इन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा नहीं, उस सर्वे में, हाँ वो सर्वे चश्मा लगाइए, उसमें ये लगा है कि भाजपा इस बार 400 हार, आप पढ़ नहीं पाए। हमने तो यही पढ़ा है, वो ठीक है। जैसे उनका नारा वैसे हमारा नारा, तो आप हम जाएंगे भगवान शिव के दर्शन करके। समझ नहीं पाए तुम, ये समझदार पत्रकार नहीं है, इसको पढ़ना चाहिए कुछ। मैंने कहा कि भगवान शिव के दर्शन करने के बाद ठीक है सर, आदम खान का स्वास्थ्य ठीक है।